बिहार के बेगूसराय से अनोखा रामभक्त साइकिल से नंगे पैर अयोध्या जाने के रास्ते में पहुंचा आजमगढ़, बताया अपना उद्देश्य। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भक्ति भावना चरम पर है। हर कोई इस शुभ अवसर पर मंदिर पहुंचना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश के कई लोग अयोध्या की ओर अभी से ही रुख कर रहे हैं। ऐसे में एक राम भक्त ने बेगूसराय से अयोध्या के लिए साइकिल से नंगे पैर यात्रा शुरू की है। उनका लक्ष्य है कि वह 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकें। नंगे पांव साइकिल से अयोध्या तक के सफर पर निकले राम भक्त गुरुवार को आजमगढ़ के समीप सठियाओं में पहुंचे थे। मनीष कुमार ने कहा कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना है, इसलिए वह अपने घर से अयोध्या साइकिल से जा रहे हैं। अपनी यात्रा के बाबत उन्होंने बताया कि वह लगभग 650 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान यह केवल फल व पानी ही ग्रहण कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि रामलला के दर्शन के उपरांत ही वह नमक ग्रहण करेंगे। उन्होंने नमस्ते बिहार को भी लेकर अपनी बात रखी। सुनते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार बेगूसराय जिला इटावा ग्राम मेरा है। अच्छा, ये आप नंगे पैर साइकिल से निकल पड़े हैं जी। कहाँ की यात्रा के लिए निकले हैं? ये अयोध्या जी की यात्रा। अच्छा, अयोध्या की यात्रा किस लिए कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं पूरे बिहार के लिए। हमारे नमस्ते बिहार का मैंने एक संकल्प रखा था जी। ये नमस्ते बिहार, कहीं हम लोग बिहारी जाए कोई गर्व से कहे नमस्ते बिहार, यही सबसे बड़का मेरा योगदान है और समर्थन है। और ये हमारे जो कलश देख रहे हैं, ये कलश जो है हमारे सिमरिया धाम का कलश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वही ससुराल था जनकपुर, वही नगरी से हम आ रहे हैं। कितनी तारीख को आपकी यात्रा शुरू हुई? वहाँ से मेरा 5 जनवरी 2:30 में हम वहाँ से चले। तो अभी कितने दिन तक पहुँचने की संभावना है? संभावना तो भैया हम कल शाम तक पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप प्राण प्रतिष्ठा तक वहीं रहेंगे? जी जी, वहीं रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर साइकिल से ही वापस होंगे? नहीं, साइकिल से वापस नहीं होंगे, उधर से हम गाड़ी से वापस। अच्छा, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइएगा, क्या कैसे लोग हैं? हमारे परिवार में सर एक पत्नी है, 6 बच्चे। अच्छा, 2 लड़के हैं 4 लड़कियाँ। अच्छा, आपको ये कैसे प्रेरणा मिली कि हम साइकिल से अयोध्या के लिए कुछ करें? प्रेरणा प्रभु दिए सर। अच्छा। राम से बढ़ के कोई नहीं है, जब जिसके शरीर में राम घुस जाए उससे बढ़ का प्रेरणा क्या हो सकता है। जी जी जी। बस यही हमको प्रेरणा दिए। वो हमारे ग्रामीण देवता है बाबा जगदेव, जिनका नाम हम लिखाए हुए हैं। वो भी बाबा जगदेव का बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ग्रामीण देवता हुए, वो भी एक दिन हमारे सपने में आए और दूसरे बार प्रभु चंद्र जी मेरे सीने में बसे हुए। आप बेगूसराय के रहने वाले हैं मूलतः? जी। किन किन जनपदों से अब तक गुजर चुके हैं आप? हम तो सर जैसे वहाँ सिमरिया धाम से चले, उसके बाद फतुहा से आगे यानी कि खुशरूपुर के आसपास एक जगदम्बा स्थान है। जी जी। रात में हम वहीं रुके पहला रात। अच्छा। और दूसरी रात हम रुक गए आपको आरा में, और तीसरी रात रुक गए बक्सर में, और चौथा रात रुक गए आपको ये पीछे टोल प्लाजा के पीछे एक गाँव है, वो ही हनुमान जी के मंदिर पर रुके, हमको बहुत स्वागत किए, वहाँ का ग्रामीण लोग बहुत इज्जत किए, और वहाँ से चल के अभी हम यहाँ पहुँचे। अच्छा, तो क्या आज आजमगढ़ में आप निवास करेंगे रात्रि? जी जी जी, शाम अगर जो हो जाएगा तो ज़रूर हम आजमगढ़ में रुकेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।